हम अतीत के प्रति हमारा देखने का नजरिया बदल सकते हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये देखिए, अतीत जो हो गया हो गया। अतीत के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ना बदल सकते हैं ना हम क्या करते, बदल तो सकते नहीं है, पर उसके बारे में बहुत विचार करते 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 हमारा जीवन वर्तमान में खराब कर देते हैं। अतीत में हो सकता है कि किसने हमें पीड़ा दी हुई हो, किसने हमें तकलीफ दी हुई हो, मैंने कुछ पाप किया हो, मैंने खुद ने कुछ ऐसा किया हो कि जो अच्छा नहीं था अतीत में, तो जो भी कुछ हुआ है, लोगों ने मेरे को कुछ तकलीफ दिया तो मैं लोगों के प्रति खुन्नस खा के बैठा हूँ कि इसका मैं तो बदला लूँगा ही लूँगा, एक वो हो सकता है। और फिर उससे हम खुद को पीड़ा देते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को पनिश करते हैं। या मैंने खुद ने ऐसा कुछ किया है कि जो मैंने नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में मुझे अपराधीपन की भावना आती है, और फिर अपराध बोध जो मुझे होता है उससे फिर अपराधीपन लगना, वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को सजा देनी चाहिए, और फिर मैं सजा देता हूँ। सजा कौन से देता हूँ, पता नहीं। कोई भी क्या होता है कि ब्रेन जो है अपना, वो कोई भी ऑर्गन चुन लेता है, इसमें कुछ भी कोई भी ऑर्गन चुन लेता है। हो सकता है कि वो लंग्स चुनेगा, मतलब श्वास के जो अपने पूरा जो सिस्टम है, वो सांस लेने की वो पूरी चुन लेगा तो अस्थमा की तकलीफ हो जाएगी। यदि वो बॉयल मतलब पाचन संस्था चुन लेगा तो पाचन संस्था की तकलीफ हो जाएगी। बॉडी चुन लेगा पूरी तो बॉडीली डिसऑर्डर या पेन डिसऑर्डर हो जाएंगी। तो क्या चुनते हो, ब्रेन क्या चुनेगा उसके ऊपर है। तो हमने यदि अतीत के बारे में जो भी हुआ है उसको विचार, उसको दिमाग में रखना और उससे खुद को पीड़ा कर लेना, कितनी मूर्खता है। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये करना नहीं चाहिए था, ऐसे कितने मूर्खतापूर्ण या मूर्खता के विचार अतीत के बारे में, अपने खुद के बारे में, अतीत में हुए उसके बारे में अपने दिमाग में है, और वो हमको पीड़ा देते हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं। क्या हम अतीत को पूरा कर सकते हो कि भाई जो हुआ वो हुआ, उसको फुल स्टॉप लगाओ। अभी मैं आज वर्तमान में हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ भी संभव है। मतलब अतीत से प्रभावित न होते हुए अतीत की जानकारी से प्रभावित होके, ना अतीत से प्रभावित होना, मैं वर्तमान में कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा जीवन बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। तो अतीत के जितने भी निगेटिव विचार होंगे उसको आप पूरा करेंगे आज, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि अतीत के विचार है, ये हुआ है, उसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो अतीत में हुआ है, और फिर नए विचार अपने में ला सकते हो। और यदि हम कर सकेंगे तो जो खुन्नस के विचार है कि मैं बदला लूँगा, मैंने पाप किया है, गुस्सा दिमाग में है, खुद को तकलीफ देने की जो भावना है, ऐसे सब भावनाएं यदि हम दूर करते हैं तो अभी वर्तमान में मुझे जो भी मानसिक तकलीफ हो रही है या शारीरिक तकलीफ हो रही है, बदन की तकलीफ है, वो तकलीफ अच्छी होने में बहुत सहायता हो जाएगी और अपना खुशहाल जीवन आप जी सकेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।